डियर स्टूडेंट्स, 4 जून से एक नया एपिसोड आ रहा है बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए नए फॉर्मेट पे। लेकिन आपका जो एपिसोड आ रहा है वो सेपरेट अपने सिलेबस पे आ रहा है, आप उसे ही फॉलो करें। सब इंस्पेक्टर ESI या BSSC इंटर लेवल का एक कंबाइंड एपिसोड जो आ रहा है उसे आप फॉलो करते रहें, चूँकि वो आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, जिसमें हम लोग मैथ रीजनिंग या हिंदी या फिर विविध या फिर टॉपिक्स को कर रहे हैं जो सिलेबस के हिसाब से, तो आप उसे ही फॉलो करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या BPSC वाला भी हम कर लें या दोनों कर लें या केवल अपना एपिसोड करें सब इंस्पेक्टर वाला, तो आप अपने एपिसोड को ही फॉलो करें। हाँ, अगर आप BPSC की भी तैयारी करना चाहते हैं और उधर फोकस्ड हैं तब उस एपिसोड को आप 4 जून से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आज जो सब इंस्पेक्टर ESI का BSSC का एपिसोड आने वाला था वो आज भी नहीं आ रहा, चूँकि टाइम नहीं मिल पाया, बहुत बिजी शेड्यूल रहा, तो हम लोग कल इसे करेंगे, लेकिन अच्छा एपिसोड आएगा। अच्छा, बिहार के क्वेश्चंस को लेकर या करंट अफेयर्स को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम कहेंगे कि बिहार से बहुत कम स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ESI में या सब इंस्पेक्टर में बहुत कम देखने को मिलते हैं, हम कहेंगे नहीं के बराबर। 2 या 3 क्वेश्चंस अधिकतम आपको दिखाई देंगे अगर बिहार का स्पेसिफिक हम बात करें। अभी देखिए, 22 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें बिहार से मात्र 2 क्वेश्चन थे फर्स्ट सिटिंग में। एक तो नवादा का जो वाटरफॉल है ककोलत, उससे क्वेश्चन था, और एक जम्मू कश्मीर का पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो नीतीश कुमार जी को मिला था, मात्र 2 क्वेश्चन था उसमें, एक करंट हो गया और एक दूसरा बिहार का, दोनों बिहार के क्वेश्चन थे, तो अधिकतम 2 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन नहीं था बिहार से। 100 क्वेश्चन में मात्र 2 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक थे। अब आइए करंट अफेयर्स की बात करें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत सारे लोग कह रहे हैं करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये भूल होगी अगर आप ये समझ रहे हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 20 मार्च को एग्ज़ाम हुआ अगर हम कहें तो उसमें 23-24 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे, 100 क्वेश्चंस में 20+ क्वेश्चंस ऑल टुगेदर 22-23 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। आप खोल के क्वेश्चंस देख सकते हैं, फर्स्ट सेटिंग की हम बात कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस में। हालांकि इससे पीछे जब 2008 में एग्ज़ाम हुआ था मेंस का सब इंस्पेक्टर का, तब उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चंस एक भी नहीं थे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले सालों में नहीं आते रहे, लेकिन अब इसका चलन बढ़ रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस बार भी अच्छे खासे दिख सकते हैं। ये 2, 4, 5 भी हो सकते हैं और 12, 15 भी हो सकते हैं, चूँकि नए सालों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक ट्रेंड बन गया है कि क्वेश्चन उससे अधिकतम रहते हैं। आप ये मानकर चलें कि क्वेश्चन अच्छे खासे रहेंगे करंट के भी, और आप उसकी तैयारी करें, करंट अफेयर्स पर आप फोकस करें। इसमें आप लोग अगर छोड़ रहे हैं तो आप मिस करेंगे और ये बहुत डिवास्टेटिंग हो जाएगा। कुछ जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस आप बिहार के जो वन लाइनर्स हैं उसे आप कर लें, लेकिन करंट पे आप ध्यान दें, करंट के क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे खासे आएंगे, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो सब इंस्पेक्टर मेन्स का होगा। जो स्थिति दिख रही है और जो BPSSC है, आयोग है, उसके हिसाब से जो दिख रहा, जो हिंट निकलता है, उसमें सब इंस्पेक्टर मेन्स का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, अधिकतम इसकी संभावनाएं हैं। उसके बाद ESI का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, हालांकि ESI का फिर रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट में डिले होगा, और BPSC आप मानकर चलें कि 2 महीने के बाद वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन लग रहा है कि 2 महीने बाद ये वैकेंसी बन सकती है, आ सकती है। तो जुलाई तक तो कुछ भी नहीं होगा, ये आप मानकर चलें, जुलाई के बाद ही जो कुछ भी होना होगा होगा, मेंस का एग्ज़ाम भी आपका, सब इंस्पेक्टर का, ESI का, ये सब मानकर चलें कि आप जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा। और जो इंटर लेवल का है उसमें थोड़ा सा हमें लगता है डिले होगा, BPSC की वैकेंसी जुलाई के बाद आएगी, फर्स्ट वीक में आप मानकर चलें कि वैकेंसी आ जानी चाहिए। आप बाद में अगर सरकार अपना निर्णय बदल दे तो फिर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट, आप इसे फॉलो करें और जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसे बिल्कुल निश्चिंत होकर करते रहें। जो बुक्स हमने आपको बताया है ये बुक्स बहुत ही मारक हैं और ये क्वेश्चंस के रूप में दिख रहे हैं, आप खोल के पेजेस मिलाकर देख सकते हैं, जो पिछले दिनों एग्जाम्स हुए उससे आप ये क्वेश्चंस मिलान करके देख सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो आप फोकस्ड रहें, आप बिल्कुल डेविएट ना हो, एग्ज़ाम तो होना ही होना है, 2-3-4 महीने बाद होगा, लेकिन पढ़ाई करते रहना है, इससे डेविएट नहीं होना है। Take care.